गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्लांट, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स एंड सो ऑन। सो चिल्ड्रन, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इफ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जब हम वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्लावर्स को एक बहुत लार्ज स्केल पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। हॉर्ट्स मीन्स होता है गार्डन एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टिवेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो चिल्ड्रन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स सॉइल प्रिपरेशन, सेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड्स, इरीगेशन, वेडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सॉइल प्रिपरेशन मीन्स प्लगिंग, लेबलिंग एंड मैन्यूरिंग। तो इसमें हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल एक्ट एज अ मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो जो सॉइल होती है वो एक मीडियम होता है हमारे सीड्स के जर्मिनेशन के लिए और हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सॉइल में ही हमारे सारी क्रॉप्स होती हैं। इट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स। तो यही हमें हमारे प्लांट्स के लिए मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करती है। द प्लांट्स ग्रोथ डिपेंड ऑन द सॉइल फर्टिलिटी। और इसीलिए प्लांट की ग्रोथ भी सॉइल की फर्टिलिटी पर ही डिपेंड होती है। अगर हमारे खेत की फर्टिलिटी अच्छी है तब उसमें हमारी हेल्दी फसल यानी हेल्दी क्रॉप्स होगी, अदरवाइज हमारी क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व लूजनिंग एंड टर्निंग इट बाय द प्रोसेस ऑफ टिलिंग और प्लगिंग। सो टिलिंग मीन्स प्लगिंग। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम सॉइल को लूज कर देते हैं यानी उसको थोड़ा ढीला कर देते हैं, और इस तरह का ये जो प्रोसीजर होता है इसे हम बोलते हैं प्लगिंग, जिसे बोलते हैं खेत की जुताई करना। लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द लूज्ड सॉइल अलाउड द रूट्स ऑफ पेनिट्रेट डीपर एंड ईस्ट। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है उसकी वजह से जो हमारी रूट्स होगी प्लांट्स की वो डीप मतलब गहराई तक जाएगी। द रूट्स इन टर्न एंकर द प्लांट्स मोर फर्मली इन द सॉइल। और इस तरह से रूट सॉइल में अंदर तक जाएगी। इट इन हेल्प इन द एरेशन ऑफ सॉइल अलाउइंग द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर डीप। तो इसकी वजह से जब हमारी सॉइल लूज हो जाती है तो जो हमारी प्लांट्स होती हैं उनकी रूट गहराई तक जाती है और इससे उन्हें ब्रीथ लेने में आसानी हो जाती है। लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प इन रिमूविंग वीड्स एंड अदर अनडिजायरेबल प्लांट इन द फील्ड। तो लूजनिंग की वजह से जो वीड्स होते हैं या कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारी क्रॉप्स के साथ में आ जाते हैं तो उनसे भी हम वो भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लगिंग। प्लगिंग इज डन आइदर मैनुअली और बाय एनिमल्स। तो प्लगिंग को या तो हम खुद भी कर सकते हैं या एनिमल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। नाउ प्लगिंग इज डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर। आजकल प्लगिंग ट्रैक्टर्स के थ्रू होती है। प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द प्लांग। सो इसमें क्या होता है कि जब हम खेतों में प्लग करते हैं मतलब खेतों की जुताई कर रहे होते हैं उस समय जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब इनको बोलते हैं हम क्रम्स। तो जब खेतों की जुताई होती है तो प्लांग जो होता है, प्लांग मतलब ये जो किसान का हल होता है, इसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और मिट्टी का एक लेवल बन जाता है। देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर शोइंग द सीड द सॉइल इज मेड पोरस फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी फॉर प्लगिंग मेन टूल्स आर। तो बच्चों होता क्या है कि अगर हमारी सॉइल में हम जब सीड्स सोन कर रहे होते हैं, बो रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारी सॉइल में पोरस होने बहुत ज़रूरी है, जिससे ही हमारी फसल की क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो इसके लिए कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे प्लग हो गया और होई हो गया। होई लाइक इस टाइप से होता है। नाउअडेज कल्टीवेटर भी यूज़ हो रहे हैं, कल्टीवेटर लाइक दिस टाइप ऑफ टूल्स। नेक्स्ट इज मैन्यूरिंग।
मिक्सिंग सॉइल विद मैनुअर इज कॉल्ड मैनुअरिंग। तो इसमें क्या करते हैं, सॉइल को हम कुछ मैनुअर्स होते हैं, मैनुअर्स मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम अपने सॉइल में मिक्स करते हैं। मैनुअर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट या एनिमल वेस्ट से मिलते हैं, सच एज काउ डंग, यूरिन, प्लांट पार्ट्स, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, राइट, सॉइल एंड सिमिलर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। एवरी क्रॉप नीड सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फॉर इट्स ग्रोथ। अब होता क्या है बच्चों कि हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हमें अच्छी फर्टिलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ मैनुअर्स मिला देते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैनुअर्स होते क्या हैं, जैसे काउ डंग जिसे हम गोबर बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसे हम खेतों में डाल देते हैं और इससे वजह से हमारे जो फील्ड होते हैं उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मैनुअर इज फॉर्म्ड बाय डंपिंग द वेस्ट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउइंग देम टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज हेल्प बाय ऑर्गेनिक लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। द डिकम्पोज मटेरियल इज यूज एज मैनुअर। तो मैनुअर्स आखिर बनते कैसे हैं, एक तो काउडंग वगैरह से भी बनते हैं और कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हम फील्ड में डाल देते हैं और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं और वो माइक्रो बैक्टीरिया और फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं हम डिकम्पोज्ड मटेरियल्स को उठाकर फील्ड में डाल देते हैं जिसे हम मैनुअर बोलते हैं। नाउ सेलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, हेंस सेलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। आफ्टर द सेलेक्शन ऑफ सीड, केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग देम। देयर आर टू मेथड ऑफ सोइंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड यूजिंग सीड ड्रिल्स। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि अगर हमारी क्रॉप्स हेल्दी है, हम चाहते हैं हेल्दी हो और अच्छी प्रोडक्शन हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स का चुनाव करते हैं और उनको हम टू टाइप से अपने खेतों में सोन करते हैं। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग। इसमें ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जो जनरली चलता चला आ रहा है, लोग हाथों से मैनुअली उसको स्प्रिंकल कर देते हैं पूरे सॉइल में। और सेकेंड है यूजिंग ड्रिल, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल्स क्या होती है, एक मशीन होती है और इसमें एक पाइप्स लगे रहते हैं और उनके ऊपर एक कीप होती है, तो उसमें जैसे ही हम सीड्स को डालते हैं और वो उसको हम चलाते रहते हैं कंटिन्यू, फिर उससे एक लेवल के फॉर्म में सीड्स पूरे में स्प्रिंकल होते रहते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर ड्यूरिंग सोइंग आर फॉलोइंग। सीड्स शुड बी हेल्दी एंड गुड क्वालिटी। सीड्स शुड बी शोन एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनादर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट अमोंग द प्लांट। सीड्स शुड बी शोन एट द करेक्ट डेप्थ, नाइदर टू सैलो और नॉट टू डेप्थ। सीड मस्ट बी शोन इन प्रॉपर सीजन। द सीड्स मस्ट बी शोन इन प्रॉपर रो सो दैट वॉटरिंग डैम और ट्रांसप्लांटिंग डैम इज ईजी। तो हमें सीड्स को किस तरह से शोन करना चाहिए, फर्स्ट एक तो हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज़ करना है, दूसरा उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे करना है। अगर एक दूसरे के ऊपर वो जमते जाएंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे और सनलाइट भी नहीं मिल पाएगी और उनके बीच में करेक्ट डेप्थ भी नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है उसमें कुछ सीड्स ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वो जमी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें उनको प्रॉपर डिस्टेंस पर शोन करना है। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मीन्स होता है बच्चों कि अब जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्रॉप्स को एक बहुत सारे सीड्स को एक ही जगह पे उगा लेते हैं पहले, फिर उनको क्या करेंगे, अब हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे और एक प्रॉपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको लगाते चले जाएंगे। जैसे कि राइस की क्रॉप हो गई, वीट क्रॉप्स हो गई, या फिर गार्लिक, अनियन, इन क्रॉप्स को भी क्या करते हैं, हम पहले एक साथ में उगाते हैं, फिर उसके बाद में उनको दूर दूर तक कुछ प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में लगाते चले जाते हैं। इस प्रोसीजर को हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इससे हमारे एक तो हमें अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स मिल जाते हैं और उससे हमारी क्रॉप भी हेल्दी और अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है उससे। ट्रांसप्लांटेशन, लुक एट द पिक्चर, दे आर डूइंग ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट वन इज इरीगेशन। एज यू आर अवेयर दैट प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, दिस इज द सीजन
दिस इज द रीजन व्हाई गार्डनर सप्लाई वाटर टू द प्लांट रेगुलरली. सीड नीड वाटर टू जर्मिनेट. प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि हम प्लांट्स में प्रॉपर वाटर देते रहें, जितनी उन्हें नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर देना चाहिए. और इससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस ड्यूरेशन के टाइम्स में वो अपना सॉइल से वाटर लेकर अपना प्रॉपर फूड बना लेते हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स. आखिर क्रॉप्स के लिए वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं. अब इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पर ही जो हमारे फार्मर होते हैं वो डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो रेनफॉल अच्छी हो जाती है. इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं. बट द सम और अदर मीन्स भी से भी वो वाटर यूज कर सकते हैं, लाइक रिवर्स, रिजर्वायर, लेक, पॉन्ड, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. फ्रॉम दिस वाटर इज आइदर पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स और डिलीवर्ड बाय इरिगेशन कैनल. तो इरिगेशन रेफर टू द आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स. इरिगेशन का मतलब होता है कि अगर हम क्रॉप्स में वाटर दे रहे हैं तो कुछ आर्टिफिशियल मीन से भी दे सकते हैं, मतलब रेनफॉल के अलावा भी हम किसी दूसरे तरीके से भी वाटर अपने प्लांट क्रॉप्स में दे सकते हैं. द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर मॉट पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत यानी लीवर सिस्टम. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड. दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशेंट. तो पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, पुली सिस्टम या फिर लीवर सिस्टम का यूज़ करके वाटर अपने फील्ड में लगाया करते थे. आजकल तो न्यू टाइप्स के डीजल पंप वगैरह भी आ गए हैं, जिनसे इरिगेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम. दीज मेथड इज यूज इन वाटर स्केयर्ड एरियाज सच एज डेजर्ट और इन द एरिया ऑफ लेस और अनइवन रेनफॉल. तो जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है या डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ करके प्रॉपर मात्रा में हम वाटर लगा सकते हैं. कुछ और भी मीन्स होते हैं लाइक ड्रिप सिस्टम, वाटर लॉगिंग, इन सब से का यूज़ करके भी हम इरीगेशन सिस्टम कम्प्लीट कर सकते हैं. नाउ मूव टू एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज टिलिंग हेल्प इन रूट रेस्पिरेशन. चिल्ड्रन आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना है. द प्लांट ग्रोथ डिपेंड ऑन द सॉइल फर्टिलिटी से लेकर प्लगिंग तक. उसके बाद आपको ये 2 पॉइंट्स भी लिखना है, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन. द हेल्प इन द एरेशन ऑफ सॉइल अलाउइंग द रूट्स ऑफ ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर डीप तक. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर क्रॉप्स प्लांट, व्हाट डू गेट क्रॉप्स एंड डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. का आंसर आप लिखेंगे द प्लांट ग्रोन से लेकर फ्रॉम क्रॉप्स तक. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में आपको लिखना है खरीफ क्रॉप्स और उसके बाद में ये पूरी लाइन, और उसके बाद में खरीफ क्रॉप्स और उसका सीजन टाइम और उसके एग्जांपल, फिर रबी क्रॉप्स, इसके बारे में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो चिल्ड्रन इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में करते हैं और रिमेनिंग चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.